आज इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सेक्शन में एक टॉपिक कवर करेंगे। मेरा जो एम होगा वो होगा टू परफॉर्म द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द गिवन सैंपल। बेसिकली लैब में जो हमें सैंपल दिया रहता है वो हमें सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही सैंपल मिलेगा, इसलिए हम जो सैंपल रहेगा उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही मानकर चलेंगे। बस उसका हमें कंसंट्रेशन पता करना होगा। यहाँ पे हम नॉर्मलिटी ही पता करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हमें दिया गया है तो उसका नॉर्मलिटी कितना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए अब हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेफरेंस से शुरू करेंगे कि हम ये मेरा सबसे पहले एम हो गया, एम मैंने आपको बता दिया टू परफॉर्म द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस दैट NaOH इन द गिवन सैंपल। जो हमें सैंपल दिया रहेगा उसमें उसका में जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा, मींस दैट सिंपली हम यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिससे हमें कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का पता चल जाएगा, जो बेसिकली हमारा एक टाइट्रेशन मेथड से ही परफॉर्म होगा। टाइट्रेशन के बारे में जब हम आपको फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल सेशन हम जब स्टार्ट करने का अनाउंस करा था उसमें सबसे पहले मैंने आपको टाइट्रेशन के बारे में ही बताया, और ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द गिवन सैंपल। हम रेफरेंस इस टॉपिक को कवर करने में हमने प्रैक्टिकल फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री जिस बुक को एमएम आलम ने लिखा है जो पब्लिश हुआ था एल्सेवियर पब्लिकेशन से, ठीक है। तो हमारा रेफरेंस हो गया। अब हम बात करेंगे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए एपरेटस कौन कौन से लगेंगे। तो एपरेटस में हमें ब्यूरेट लगेगा, कोनिकल फ्लास्क की जरूरत पड़ेगी, ग्लास रॉड और फनल की जरूरत पड़ेगी। और हम केमिकल रिक्वायर्ड के बारे में बात करें, केमिकल रिक्वायर्ड जाने की अगर इस प्रैक्टिकल को हम परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से हमें केमिकल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले सैंपल की जरूरत पड़ेगी जो मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब मैंने आपको टाइट्रेशन में बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, वो आप वीडियो मिस नहीं करिएगा टाइट्रेशन वाली, क्योंकि उस वीडियो में आपको इतना कुछ बता दिया गया है जो बेसिकली टाइट्रेशन में जो अगर वाइवा से कोई क्वेश्चन आएगा तो उतना ही से आप लोग के लिए डी फॉर्म में आएगा। उसके बाद मेरा जो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है जिसको हम KHP भी कहते हैं, ये हमारा एक वीक एसिड इसको कह सकते हैं, और ये मेरा बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा बेस हो गया और सोडियम हाइड्रोजन थैलेट जिसको KHP कहते हैं ये हमारा एसिड है, एसिड साल्ट है। उसके बाद हमें डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत पड़ेगी और इंडिकेटर के तौर पे हम फेनोफ्थेलिन यूज कर सकते हैं, फेनोफ्थेलिन यूज करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो अब हम जानते हैं आखिर प्रिंसिपल कौन सा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये टाइट्रेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट होगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा टाइट्रेशन? टाइट्रेशन मैंने आपको 4 टाइप्स का बताया था। तो जो फर्स्ट मैंने बताया था वो हमारा था एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ये हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होगा इसलिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हमारा बेस है और KHP हमारा एक एसिड साल्ट है, मींस दैट एसिड है। KHP मतलब पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। तो प्रिंसिपल हमारा आपको लिखने, अगर ये आपको एक्सपेरिमेंट आ गया तो आप लिखिएगा प्रिंसिपल जो होगा वो मेरा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होगा। अब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का यहाँ पे कुछ डिफाइन आप लिख दीजिएगा शॉर्ट में। तो एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन is a method of quantitative analysis
एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस by exactly neutralizing कर लीजिए या फिर कंप्लीट रिएक्शन कर लीजिए इसको इट विथ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस और एसिड. क्लियर है यहां से? यहां पे अगर एसिड पहले लेंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करेंगे, और बेस लेंगे अगर तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड लेंगे. और हम ये जानते हैं कि अगर एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो वहां से हमें वाटर और साल्ट मिलता है. क्लियर है यहां से आपको? अब जो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा एक मेरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है. जो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंने टाइटलेशन में ही बताया था कि कैसा होता है. तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा इम्प्योर होता है, उसको ओवेट करना बहुत मुश्किल होता है और वो स्टेबल भी नहीं होता. उसके बाद KHP का बात करें जो मेरा एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट हमारा एक स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल रहता है. उसके बाद ये प्योर है और इसको वेट करना भी बहुत इजिली हम वेट कर सकते हैं. तो हम प्रिंसिपल जान गए, अब प्रोसीड्यूर जानेंगे. तो सबसे पहले तो हम ब्यूरेट में जो हमारा सैंपल है वो हम डाल लेंगे. उसके बाद हम 0.3 ग्राम वेट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट वेट एक्यूरेटली. ये हमारा इजिली वेट भी हो जाएगा. जैसा मैंने आपको बताया कि KHP हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट हमारा एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है. वेट एक्यूरेटली 300 मिलीग्राम मींस दैट 0.3 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट and dissolve it in minimum amount of water distilled water. clear है? minimum amount of water का यहाँ पे ये मतलब हुआ इतना water जिसमें हमारा 0.3 ग्राम potassium hydrogen thalate है वो easily dissolve हो जाए. उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फेनोफ्थेलिन एज इंडिकेटर. एंड देन टाइट्रेट इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अंटिल द परमानेंट पिंक कलर अपीयर्स. और उस जब पिंक कलर अपीयर्स हो जाएगा वो हमारा एक इंड पॉइंट कहलाएगा, उसको हम इंड पॉइंट कहेंगे. और हमें ब्यूरेट रीडिंग को नोट डाउन करना है. ब्यूरेट रीडिंग ऊपर आपका 0 से स्टार्ट होता है और जितना पे आपका खत्म होगा वो हम नोट डाउन करेंगे. क्लियर है प्रोसीड्यूर आपका? अब हम आगे जानते हैं कुछ. इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो कंप्लीट रिएक्शन है, या फिर उसको न्यूट्रलाइजेशन कहिए, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का. ये न्यूट्रलाइज होकर पोटेशियम सोडियम थैलेट जो हमारा एसिडिक साल्ट बना रहा है, मींस दैट ये साल्ट है,
और एक वाटर है ये हमारा, ये हमें बेस एसिड प्लस बेस का जो हमें रिएक्शन मिला वो हमें साल्ट प्लस वाटर मिला, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन हुआ जिससे हमारा एक साल्ट बना और वाटर बना। तो इसका रिएक्शन ऐसे है SOOC, यही हमारा एस इस फॉर्म में हम लिखते हैं C6H4COOK प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा KHP है, ये हमारा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे हमारा एक साल्ट बन रहा है NaOC C6H4COOK प्लस वाटर, क्लियर है रिएक्शन। अब आगे हम ऑब्जर्वेशन टेबल जानते हैं। तो हमने एक बार प्रोसेस को टाइट्रेशन एक बार ही करा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक का ही लिखेंगे। और हम 0.3 ग्राम ही हमने KHP लिया था, मींस दैट मैंने 0.3 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लिया था, जो मेरा इनिशियल रीडिंग था ब्यूरेट का। ब्यूरेट का यहाँ बात हो रहा है, रीडिंग ऑफ ब्यूरेट ml में ही 0 से 50 तक रहता है। तो स्टार्टिंग मैंने 0 से करा था और फाइनल रीडिंग हम मान लेते हैं कि हमें 14.5 ml आया। तो फाइनल सॉल्यूशन जो मेरा कंज्यूम हुआ वो हमारा था D-A लिखा है, 14.5 - 0। तो हमारा जो कंज्यूम हुआ वो हमारा 14.5 हुआ, इतना ml हमारा कंज्यूम हुआ टाइट्रेशन में। तो अब हम कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन नॉर्मेलिटी हम जानेंगे, मीन दैट कंसंट्रेशन जानेंगे कि आखिर कितना यूज हो रहा है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब हम कैलकुलेशन देखें, तो कैलकुलेशन में हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो मेरा नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, क्लियर है। तो नॉर्मेलिटी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, तो W इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा E का वैल्यू है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KHP, मीन दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट 204.2 है। इसको हम 204 लेकर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मेलिटी मेरा आ जाएगा, वेट मेरा 0.3 ग्राम था, क्लियर है। 0.3 ग्राम ही हम KHP पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लिए थे, 1000 इक्विवेलेंट वेट मेरा 204 है, इनटू जो हमारा वॉल्यूम कंज्यूम हुआ था वो हमारा 14.5 ml था, हम ml में ही लेंगे वॉल्यूम, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.3 इनटू 1000 बाय 204 इनटू 14.5, यह पॉइंट से मेरा ऊपर का पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब मेरा बचा 3000 बाय 204 इनटू 145, जिसको हम कैलकुलेट अगर करें तो मेरा आ जाएगा 3000 बाय 29580। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको हम डिवीजन से तोड़े तो 0.101 आ जाएगा, ठीक है, जो इक्विवेलेंट है 0.1 से। इसलिए हमारा नॉर्मेलिटी जो गिवन सैंपल था, हम तो आपको पहले ही बताया था लैब में जो मिलेगा बेसिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त, वो हमारा एक सैंपल होगा, जिस सैंपल का हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है वो नॉन सैंपल होगा, क्लियर है। इसलिए हमारा जो नॉर्मेलिटी है वो हमारा 0.1 नॉर्मल है। अब हमारा कैलकुलेशन हो गया, तो अब हम रिजल्ट लास्ट में लिखेंगे। ये आपको मैंने ये जो बताया कैलकुलेशन, उससे पहले ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन, इसको आप व्हाइट पेज के तरफ लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, आप अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में।
तो रिएक्शन हमारा रिजल्ट हमारा सॉरी रिजल्ट हमारा होगा दिस गिवन सैंपल ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी 0.1 नॉर्मल कंसंट्रेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता, इतना ही मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इतना कुछ जरूरत था, मैंने आपको इतना बता दिया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू वेरी मच।